आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं सीटेट के हिंदी भाषा के बुक का, ठीक है। और हिंदी भाषा का बुक है एमसी गरवा हिल का, और यहाँ पे कमलदेव वर्मा इसको लिखे हैं, ठीक है। बहुत ही फेमस बुक है जिसको हिमांशी मैम भी रिकमेंड कर चुकी हैं। तो चलिए इस बुक का पूरा डिटेल से अच्छा से जानते हैं। छोटा सा पतला सा बुक है, तो ये बुक कैसा है चलिए देखते हैं। तो ये बुक का सबसे पहले इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं कि इंडेक्स कैसा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स में हम लोग देखते हैं तो ये बुक का जितना भी इंडेक्स है वो तीन चार पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट है व्याकरण का, व्याकरण में भाषा वर्ण और संधि ये सब सारे ग्रामर के पोर्शन है। सारे ग्रामर के पोर्शन आपको, ये ग्रामर का पोर्शन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज आएगा, सिर्फ सीटेट के एग्जाम में ही नहीं, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये यूज आएगा आपको। भाग वन, भाग टू में आपका है शब्द का बोध वाला ये जो सेक्शन है ये भी आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। यानी ये बुक सीटेट के साथ साथ कंपटीशन के एग्जाम में भी यूज आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो शिक्षण शास्त्र है ये सिर्फ सीटेट के एग्जाम के लिए है, ठीक है। सीटेट के एग्जाम में ये पूरा काम आएगा। भाषा बाल एवं भाषा शिक्षण, शिक्षण एवं शिक्षक, तो ये सिर्फ टॉपिक है, ये सीटेट का है। बाद बाकी आप ये बुक को यूज कर सकते हैं अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। और लास्ट में दो मॉक टेस्ट भी इसमें ऐड है, तो आपको अगर पूरा पढ़ लेंगे तो मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना तैयारी हुआ। तो चलिए भाग वन में हम लोग देखते हैं कि भाग वन में क्या क्या है। तो भाग वन में भाषा एवं लिपि, तो चलिए चैप्टर भी देख लेते हैं कि चैप्टर कैसा है। तो भाषा व लिपि, तो इसमें आपको पहले भाषा सिखाया हुआ है, भाषा का डेफिनेशन, भाषा के रूप, रूप के बाद आपका लिपि, लिपि के भाषा का परिवार, और उसके बाद आपको इतना पढ़ने के बाद अभ्यास प्रश्न मिला हुआ है, उसमें उसका उत्तर माला भी है। और सबसे खास बात ये बुक की ये है कि हर एक चैप्टर के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वो दिया हुआ है, विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, और उसका उत्तर दिया हुआ है। तो देखिए भाषा के यहाँ डेफिनेशन है, भाषा के रूप के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, अभ्यास प्रश्न के बाद ये रहा आपका विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पूछा हुआ है। देखिए सीटेट में आया हुआ है 2018 का, सीटेट 2018 का, तो आपको इस सबसे जानकारी हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो भाग वन में इतना था, भाग टू का कुछ पोर्शन देख लेते हैं। भाग टू का कुछ पोर्शन हम लोग को देखना है, तो ये है लिंग एवं वचन। लिंग एवं वचन में भी उसी तरह बताया गया हुआ है, ठीक है, यहाँ आपका ये सब पूरा दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद इसमें भी अभ्यास दिया हुआ है और विगत वर्ष के प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। और पार्ट थर्ड का बात करें तो आपका शिक्षण से रिलेटेड है, शिक्षण से रिलेटेड भाषा एवं बालक व भाषण शिक्षण, ठीक है। देखिए ये सब चैप्टर, आगे का जो भी चैप्टर था भाग वन और टू का वो सब चैप्टर छोटा था, लेकिन ये सब चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, ये सब चैप्टर थोड़ा सा पढ़ने में आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चैप्टर तुरंत खत्म नहीं होगा, एक एक पेज का नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगा, पेपर वन पेपर टू करके दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और पीछे दो मॉक टेस्ट भी आराम से डाला हुआ है, तो आप उस मॉक टेस्ट को भी सॉल्व कीजिए। देखिए मॉक टेस्ट डाला हुआ है, ठीक है, बाल विकास व शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड ये मॉक टेस्ट है। गणित, देखिए गणित का भी है, ये नहीं कि इसको इस बुक को ले लिया आप तो सिर्फ हिंदी का ही मॉक टेस्ट में है। भाग टू में देखिए गणित का भी प्रश्न है, कुछ गणित के प्रश्न के बाद आपको गणित का अच्छा अच्छा प्रश्न इसमें डाला हुआ है। और पर्यावरण है, पर्यावरण से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो आप सोच रहे होंगे कि गणित पर्यावरण ये सब का बुक क्या यूज करे क्या ना यूज करे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं गणित और सारे सब्जेक्ट का और बुक मंगा चुका हूँ अमेजोन से, ठीक है। तो इसमें मेरा और चार बुक है जिसको जल्दी ही हम खोल के उसका रिव्यू करने वाले हैं आपको, गणित और बाद बाकी एनवायरमेंट के बुक के बारे में। तो आप ये बुक आराम से इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको इन सारे बुक का भी रिव्यू आपको जल्दी से मिल जाए कि कैसा बुक लें और कौन सा बुक लें। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने सारे सीटेट की तैयारी करने वाले छात्रों को रिकमेंड कीजिए।